प्रोग्रेस कर देते हैं राइट, उसमें क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं सस्पेक्टिंग स्किल्स। सस्पेक्टिंग करना यानी कि शक करना, हमारे बिजनेस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, कौन सा पोटेंशियल लीडर आएगा, हमारे बिजनेस कैसे करके आगे बढ़ाएगा, हम लोग कर रहे सस्पेक्टिंग कैसे करना है और उसको देखिए सब अबाउट करते हैं इसके बारे में बात। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, प्रोस्पेक्ट हमारा कौन व्यक्ति होगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है इसके बारे में बातचीत। अप्रोचिंग स्किल्स, हमने सस्पेक्ट कर लिया, हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली उसको, ये हमारा टाइप प्रोस्पेक्ट है जिसको जाकर के हमें टाइप को डिस्कस करना है। अब उसके पास अप्रोच करने के पहले क्या क्या करना होगा, वो सारे कौन कौन से गुण चाहिए जो आपको अप्रोच करने में मदद देंगे, ताकि अगर आप एक फोन कॉल करें और आपका वो अपॉइंटमेंट डन हो जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, सर मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, क्या आप फ्री है, क्या बोलता है सर कब फ्री होइएगा, कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं, सर कब टाइम दीजिएगा, होता है क्या क्वेश्चन करें और क्या आंसर चाहिए आपको, जो आंसर चाहिए उसके लिए किस तरह के क्वेश्चंस को फेंकना पड़ेगा उसके राइट। एग्जांपल, आपने फोन किया, क्या सर वो मिल सकते हैं, उसने कहा मैं बहुत बिजी हूं, सर बिल्कुल सही बात है, आज के समय में समझ सकता हूँ आप एक सफल इंसान है, सफल इंसान व्यस्त जरूर रहता है, लेकिन इसी व्यस्तता के माहौल में जीवन में बहुत सारी चीजों को करने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है हमें आपके साथ मिलकर बैठने का, ताकि इस व्यस्त शेड्यूल में से सफल बनने के साथ चीजों को कैसे हम निकाल के बाहर कर पाए, इसके लिए अगर आधे घंटे में आपके साथ बैठ जाऊंगा तो मिलकर बेहतर बातचीत कर पाएंगे, तो क्या इसके लिए मैं आज शाम 6 बजे या कल सवेरे 7 बजे आपके साथ मिल सकता हूँ। अगला बोला मैं बिजी हूं, आपने धुआं था उसके ऊपर, धुआं था कौन ही कर दिया, अगला क्लीन बोल, अब या तो अगला शाम में 6 बजे का समय दे दिया, समय का साथ ऑप्शन क्लोज ही, आपने क्वेश्चन पूछे उससे, ये नहीं पूछा कब मिलेंगे, आपने पूछा शाम में 6 बजे या सवेरे 7 को, अगर शाम में 6 को व्यस्त होगा सवेरे 7 का देगा, सवेरे 7 बजे व्यस्त होगा शाम में 6 बजे का देगा, इस तरह का वैरायटी, बहुत सारे तरीके हैं जिसके करके आपका अपॉइंटमेंट डन हो सकता है इजी वे। रिटेलिंग स्किल्स, प्रोडक्ट देने में बड़ी दिक्कत आती है, सर प्रोडक्ट को लेता ही नहीं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट में ये है वो है दवा है ये सब कर जाएगा है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको एग्जाम्पल दिखाया था चाय का एग्जाम्पल, रिटेलिंग कैसे की जाती है, तो ऐसे रिटेलिंग के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको लेकर के बातचीत कर सकते हैं, कैसे कस्टमर का बिहेवियर काम करता है, कस्टमर कब परचेजिंग करेगा, जब तक आप ये जानेंगे नहीं, बिकॉज वी आर इन बिजनेस ऑफ सेल, हम लोग सेल के फील्ड में है, और आपको कस्टमर के बिहेवियर पर एनालिसिस करना पड़ेगा कि कस्टमर किस मोड पे जाकर के लेने के लिए तैयार हो जाता है, पैसे निकाल देता है, जब तक पैसा नहीं निकलेगा सेल क्लोज नहीं होता है, आपको वाला कितना भी क्लास दिखा दे कितना ही प्रोडक्ट के बारे में बता दे, 5 घंटे बोलते हैं के बारे में, अपना नहीं लिया आपका प्रयास गया, आपने 2 मीटिंग 2 बार बोला केवल और ले लिया, बेस्ट प्लान आपका बोला जाता है, बेस्ट प्लान वो जहां से ज्वाइनिंग निकल जाए और बेस्ट रिटेलिंग वो जहां से प्रोडक्ट निकल जाए, तो ऐसे कौन सी चीजें करनी पड़ती है, किस मोड में जाकर के कस्टमर जो है कन्वर्जन मोड में आ जाता है, लेने को तैयार हो जाता है, उसकी जो नीड है उस नीड को कैसे हम बड़ा करें, और उसको जीवन ऐसा दिखा दे कि अगर तुमने अभी प्रोडक्ट नहीं लिया तो तुम्हारी जिंदगी में काम होगी, पैसा नहीं है तब भी कहीं ना कहीं पैसा लेने से लाके आपको दे दे, बोले यार आपको तो ये प्रोडक्ट अभी और अभी अभी चाहिए, बेचैनी बता दीजिए उसके अंदर भाई, अब ये बेचैनी आप ही बता सकते हैं, तो ऐसा क्या बोले, क्या एक्सप्रेशन रखें अपने साथ, किस मोड में प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ये सारी कुशलता को सीखने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने के दौरान आपस में कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके तरीके बहुत सारे तरीके हैं उससे बात करेंगे। नेटवर्क को बिल्ड करने के तरीके,
हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में नेटवर्क को बिल्ड करना है हमें। नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से तरीके लगते हैं उसके बारे में, इन्विटेशन स्किल्स, लोग आमंत्रित करने के बारे में, मीटिंग्स में आप बुलाते हैं लोग नहीं आते, और वहीं पे किसी के इन्विटेशन पे 10 लोग आ जाते हैं, उसने क्या बोला और आपने क्या बोला, क्या आपके एक आदमी नहीं आ रहे हैं। इन्वाइट करने का तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस मोड में आप बोल रहे हैं जी, खुद से सवाल करें कि आखिर वो आएगा क्यों आपका मंत्र, हम ऐसा क्या बोले हैं ताकि वो हमारे लिए आ जाए। आज के समय में सभी आदमी व्यस्त है, किसी को टाइम नहीं है, आपके लिए क्यों आएगा अपने का, जब तक उसके अंदर आप जैसा दिखाइएगा नहीं उसको आने में उसका फायदा, और नहीं आया तो यहाँ सबसे बाहर साइन करने के पहले क्या करना है, कौन सा लाइन यूज करना है साइन करने के पहले। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म उठाते हैं, सर यहाँ नाम भर लीजिए, अगर उसी लाइन में थोड़ा कन्वर्ट कर दे, हम लोग उसको ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपका बैंक अकाउंट का नाम है जहाँ पैसा है, बात ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में फिगर क्या क्रिएट करवा रहे हैं कि यहाँ पे नाम भरने से पैसा आएगा, प्रोस्पेक्ट चला गया पॉजिटिव बोर्ड में, उसको दिखने जाएगा पैसा आना, वो डिस्ट्रीब्यूटर में सर हम लोग अपने अपने वाइफ का नाम डालते हैं, मम्मी का नाम डालते हैं, थोड़ा चीज कर दो ना यार, सर यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसको सांस में लेकर विदेश जाना चाहिए, अब वो दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू कर देगा, यार वाइफ बहुत दिन से बोल रही है विदेश जाने का, यार नाम भरने से विदेश जाने का, वो कपड़ा में यहाँ तो बैंक ऑफ कनेक्शन कर लीजिए, बात समझ आ रही है, यस, चीजें वही है, थोड़ा चेंज आउट करके मैं बोल रहा हूँ, एड्रेस, सर हमें बोलते हैं एड्रेस भर दीजिए जहाँ रहते हैं आप, नो, यहाँ पे सर आपको वो एड्रेस भरना है जहाँ पे बाली सर का साइन किया हुआ अपना डायमंड का क्राउन का जो तुम्हारा आता है ना लेटर, वो आपके घर पे आया, अब उसने आपको आपने क्या किया उसको बात पहुंचा दिया क्राउन तक।